अमरपुर नाम के एक गांव में धीरज नाम का एक धनवान रहता था। धीरज जितना बड़ा धनवान था उतने ही अच्छे स्वभाव का था। धीरज की सोच से बिल्कुल उल्टा है उसका बेटा प्रीतम। उसे पैसों का बहुत घमंड है। ओए रोहन, मैंने तुझसे कितनी बार कहा कि कॉलेज जाने से पहले मेरा बैग और शूज तैयार रखने के लिए? मेरे साथ पढ़ रहे हो कहकर अकड़ रहे हो क्या? ऐसी बात नहीं है प्रीतम, मास्टर जी ने हमें एक असाइनमेंट दिया था ना, मैं उसी को लिखने में व्यस्त था, इसीलिए देर हो गई है। मैं तो वो बात ही भूल गया था, चुपचाप उस असाइनमेंट के पेपर मुझे दे दो। ऐसे कहते हुए रोहन का लिखा हुआ असाइनमेंट उसका है कहकर पेपर्स लेकर जाता है प्रीतम। रोहन धीरज के घर में काम करने वाला लीला और राजू का बेटा है। धीरज रोहन की होशियारी देखकर उसे भी वही कॉलेज में फीस देकर पढ़ा रहा है जिस कॉलेज में उसके बेटे को पढ़ा रहा है। लेकिन प्रीतम रोहन को कभी भी पसंद नहीं करता है। ऐसे कॉलेज पहुंचा हुआ रोहन फिर से असाइनमेंट लिखकर मास्टर को देता है। उस असाइनमेंट्स को चेक करने के बाद मास्टर को दोनों असाइनमेंट्स एक जैसे लगते हैं। इसलिए मास्टर प्रीतम से, प्रीतम मैंने असाइनमेंट इसीलिए दिया था कि तुम सबको सब्जेक्ट अच्छे से समझ में आए। तुमने रोहन का असाइनमेंट कॉपी क्यों किया है? नहीं मास्टर जी, रोहन ने ही मेरी कॉपी की है, वो मैंने खुद से लिखा है। ऐसे कितना कहने पर भी मास्टर रोहन पर ही विश्वास करते हैं और कहते हैं कि रोहन जैसे होशियार बच्चे को किसी की कॉपी करने की जरूरत नहीं है। वो बात सुनकर प्रीतम को बहुत गुस्सा आता है सारी क्लास के सामने बेइज्जत होकर। उसके बाद से कैसे भी करके रोहन की भी इज्जत निकलना चाहता है प्रीतम। ऐसे एक दिन प्रीतम अपने जन्मदिन की पार्टी देने के लिए कॉलेज के सभी दोस्तों को अपने घर बुलाता है। रोहन भी अच्छे से तैयार होकर आता है उस पार्टी में। ओए रोहन, तू क्या मेरे बराबर तैयार होकर आए हो पार्टी में? नौकर का बेटा है, नौकर की तरह ही रह। जाकर कूल ड्रिंक्स लेकर आ और मेरे सभी दोस्तों को दे। वो बात सुनते ही रोहन परेशान होकर बिना एक शब्द भी कहे चुपचाप जाकर कूल ड्रिंक्स लेकर आकर सभी दोस्तों को देता है। अरे रोहन, तुम ये क्या कर रहा है? हम सब दोस्त हैं ना, वो काम चोट और यहाँ पर आजा हम सब के साथ। नौकर है तो काम ही करेगा ना, इसके माँ और पिता हमारे पास काम करते हैं और तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन मेरे पिता इसकी फीस देकर मुफ्त में पढ़ा रहा है। कम से कम उसे ऐसे तो काम करने दो। ऐसे कहते हुए रोहन को और उसके माँ बाप को नौकर कहकर सारे दोस्तों के सामने बेइज्जत करने वाली बातें करने पर रोहन चुपचाप वहाँ से चला जाता है। वो सब देख रहे धीरज पार्टी खत्म होने के बाद प्रीतम से, हमारी आर्थिक स्थिति जैसे भी हो सबके साथ एक जैसा ही रहना में ही हमारी भलाई है बेटा। रोहन के साथ तुम्हारा वो बर्ताव मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं उसे मुफ्त में नहीं पढ़ा रहा हूँ, उसका दिमाग ही उसकी फीस है। तुम सिर्फ किसी एक सब्जेक्ट में उसे एक मार्क ज्यादा लाकर दिखा सकते हो। छी। ऐसे कहते हुए वहाँ से चले जाता है धीरज। वो बातें सुनकर और भी गुस्सा बढ़ा लेता है प्रीतम। उसके बाद कैसे भी करके रोहन से ज्यादा मार्क्स लेकर आने के लिए जोश में उसी दिन रात को उसके दोस्तों के साथ कॉलेज में जाकर एग्जाम सेल से चोरी से क्वेश्चन पेपर्स चोरी करता है प्रीतम। ऐसे अगले दिन सुबह जाने पर क्वेश्चन पेपर्स चोरी हो गए हैं कहकर
सारे कॉलेज में पता चलता है। क्वेश्चन पेपर चोरी करना एक बहुत ही बड़ा जुर्म है। चुपचाप जिसने ये किया है वो सामने आया तो अच्छा होगा। अगर हम खुद ही सीसी कैमरा में देखकर पता लग जाएंगे तो बात बिगड़ जाएगी। वो बात सुनने के बाद प्रीतम को डर से पसीने आने लगते हैं। प्रीतम को ऐसे डरते हुए देखकर रोहन अपने दोस्तों की मदद से वो चोर प्रीतम ही है कहकर पता लगा लेता है। उसके बाद प्रीतम की जिंदगी मुश्किल में ना पड़े ये सोचकर गलती उसने ही की है कहकर मान लेता है रोहन। हर बार अच्छे मार्क्स आने पर तुम अच्छे विद्यार्थी हो ऐसा सोचा था मैंने, लेकिन तुम ये कर रहे हो हम सबके पीछे। हाँ, ऐसे कहते हुए रोहन को क्लास के बाहर लेकर जाता है मास्टर। बहुत अच्छा हुआ है उस रोहन के साथ, मैं तो बच गया हूँ। तब सारी बात प्रीतम को बताते हैं उसके दोस्त। रोहन ने जानबूझकर ही प्रीतम के साथ ऐसा किया है कहते हैं। उसके अच्छे के लिए सोचकर अपनी गलती को खुद के सर पर सारा इल्जाम ले लिया है कहकर तब समझ में आता है प्रीतम को। उसके बाद बहुत ही दुखी होकर, मास्टर जी वो चोरी मैंने की थी, रोहन ने नहीं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे लिए सोचकर इतना बड़ा जुर्म अपने सर ले लिया, तुम ही मेरे सच्चे दोस्त हो। ऐसे कहते हुए सारी बात मास्टर को बताकर माफी मांगकर रोहन को गले लगा लेता है प्रीतम। तब से प्रीतम अपना घमंड छोड़ देता है। ऐसे दोनों अच्छे दोस्त बनते हैं। Thank you.